हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ जयंत। आज हम क्लास 10th की एक थ्योरम है, थ्योरम 6.5 साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं देख लेता हूं। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके वन एंगल इक्वल है। तो हमने गिवन में लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए जो है डी के इक्वल है। आप एंगल बी इक्वल टू ई के भी ले सकते हैं, एंगल सी एफ के इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बोला है केवल वन एंगल इक्वल है। ओके, एंड अदर ट्राइंगल्स एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। आपको पता है एंगल बनाने के लिए हमें दो साइड दो रे की जरूरत पड़ती है। तो देखो, एक ये और एक ये आपके दो साइड हो गए ना। तो कह रहे हैं कि द साइड्स इंक्लूडिंग दीस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल ए बनाने के लिए ए बी और एंगल डी बनाने के लिए डी ई, एंगल ए बनाने के लिए ए सी और एंगल डी बनाने के लिए डी एफ, ये कह रहे हैं आर प्रोपोर्शनल, इनका जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेस देन वन क्यों लिया, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर क्या लिखा, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपको प्रूव करना है ये जो दो ट्राइंगल्स है ये क्या है, सिमिलर है। मतलब हमें प्रूव करना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर क्या होता है, जिनका शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो भी सकता है और नहीं, शेप एक जैसा हो तो उसको हम कहते हैं सिमिलर, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी एफ ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप लोग, हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कट डी पी, आपने जो है डी पी कट डी पी, ये पॉइंट क्या है आपका पी, आपने डी पी इज इक्वल टू ए बी कट किया है एंड डी क्यू, यहाँ पे पॉइंट में क्यू ले लेता हूँ, कट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी और ज्वाइन पी क्यू, आपने पी क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे लेस देन, ये देखो ये लेस देन वन क्यू ले रहा हूँ भाई। अगर ए बी डी ई के इक्वल हो जाए, यानी सेम प्रोपोर्शनल है ना, मान लीजिए ए बी थ्री है और डी ई भी थ्री है और ए सी को मैंने मान लिया फोर है और डी एफ को भी मान लिया फोर है, तो भाई इनका रेशियो तो भाई इक्वल आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे एक पॉइंट पी ले रहे हैं, जब दोनों इक्वल होगा तो पॉइंट पी कैसे ले पाएंगे भाई, इसका मतलब डी ई ग्रेटर है, डी ई क्या है, ग्रेटर है। और जब ग्रेटर से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा वन से छोटी वैल्यू मिलती है, यानी जीरो पॉइंट समथिंग मिलता है, तो वन से छोटा होता है कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा इनका जो रेशियो आएगा भले प्रोपोर्शनल होगा लेकिन लेस देन वन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ देखता हूँ, प्रूफ में पहले आपको टारगेट फिक्स कर देता हूँ कि दोनों ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे। आपने थ्योरम पढ़ा है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या तो दोनों ट्राइंगल के हम करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दे, या फिर आप जो है साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड इसको सेम प्रोपोर्शनल नहीं कर दे। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रिपल ए का यूज करूंगा ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो चलिए देखिएगा प्रूफ, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी, तो जिस भी ट्राइंगल को लेंगे आप वो वहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू में आप देखेंगे एंगल ए जो है डी के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, कहां से आया, आप यहां पे लिखेंगे गिवन, एंगल ए जो है डी के इक्वल है ये आपको गिवन है। फिर देखो ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और बेटा जो आपका ए सी है ए सी किसके इक्वल है, ए सी जो है वो आपका डी क्यू के इक्वल है। ये कहां से आया, यहाँ पे आप बताओगे बाई कंस्ट्रक्शन, ये जो है आपने कंस्ट्रक्शन से किया है। देखो कंस्ट्रक्शन में ये किया कि नहीं, कि कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड कट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, इसीलिए मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई कॉन्स्ट्रक्शन। तो दियर फोर ट्राइंगल, आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी पी क्यू के, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू के। आपने क्लास 9th में एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो क्लास 9th की बुक ओपन करके आप वहां पे एक बार समझेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का फॉलो करते हो। आपने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। अच्छा, जब दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए तो आपको पता है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल। इट मींस एंगल बी, एंगल बी जो है वो पी के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। और ये जो एंगल सी देख रहे हो ना आप, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। आपको यहाँ पर रीजन बताना होगा बाई सी पी सी टी। क्या बताओगे, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब इधर देखिएगा, इधर देखिए, हम आपको गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसका यूज करते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सही है, जो भाई ये हमको गिवन था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। ये आपने गिवन लिखा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब जरा आप बता रहे हो ए बी जो है डी पी के इक्वल है, तो क्या मैं ए बी की जगह डी पी रख सकता हूँ, रख दीजिएंगे डी पी बाई डी ई। ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो मैं ए सी की जगह डी क्यू रख दूंगा। ए सी की जगह बच्चों क्या रख दूंगा, डी क्यू। ए सी की जगह हमने डी क्यू रखा, डी क्यू बाई डी एफ। यहाँ आप रीजन बताएंगे, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्शन में बता रहे हो आप ए बी जो है डी पी के इक्वल है, ये बाई कॉन्स्ट्रक्शन से है। Since AB is equal to DP and AC is equal to DQ, और AC जो है वो किसके इक्वल है, DQ के। ये कहाँ से आया, by construction आया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे by construction, ठीक है। अब चलो इस ट्राइंगल DEF में देखेंगे, ट्राइंगल DEF में DP upon DE is equal to DQ upon DF। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है, याद करिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड सेम प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां आपने पढ़ा था डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। यहां मैंने क्या लिया, डीपी अपॉन डीई पूरा ले लिया। याद करिए, आपको पिछले थ्योरम में कोरिलेटरी थ्योरम पढ़ाया था, दोनों तरफ वन ऐड किया था, और हमने वहां आपको बताया था बेटा इसको याद रखना है, कोरिलेटरी थ्योरम। तो अब इस ट्राइंगल में देखेंगे डीपी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यानी किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं तो जो साइड सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर रहा है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ाया था कंट्राडिक्शन मेथड से, कि जब साइड सेम रेशियो में होते हैं, सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो वो जो लाइन होता है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे PQ parallel EF। आपको रीजन भी बताना होगा, कौन सा रीजन है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से PQ जो है EF के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं इधर रफ करने वाला हूँ, ठीक है, मैं हट जाता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत खत्म हो गई है। चलिए देखिएगा, ये आपका ई पॉइंट था, हल्का सा रफ हो गया है, ये आपका ई पॉइंट था, ठीक है। अब बता रहे हो पी क्यू पैरेलल ई एफ, आपने प्रूफ कर दिया भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अच्छा, अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो यहां पे देखेंगे बच्चों, ये जो एंगल ई है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी के हो जाएगा। अभी बताओ क्यों इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लास 9th में आपने एक एक्सियम पढ़ा है, इफ टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल देन करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। और या फिर इसी का कन्वर्स देखिएगा, अगर पैरेलल, अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते तो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन आपने यहां PQ पैरेलल EF प्रूफ कर दिया है, तो जब PQ पैरेलल EF है तो करस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल E जो है P के इक्वल है, एंगल F जो है Q के इक्वल है, एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। आपको रीजन बताना होगा बाय करस्पोंडिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब जो आपने एंगल B जो है P के इक्वल बताया था, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा, जिसको आपने CPCT से प्रूव किया है। एंगल C इज इक्वल टू क्यू बताया, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू P जो है, इसको आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिएगा। एंगल F इज इक्वल टू Q, इसको आप इक्वेशन फोर्थ बना लेंगे। इतना समझ में आ गया, आप बच्चे उधर नोट कर लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, हमें इसकी जरूरत खत्म हो गई है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से आपको दिख रहा है आरएचएस में पी है, आरएचएस में क्या है पी है, इसका मतलब एलएचएस क्या होगा इक्वल होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से यूक्लिड ने भी तो बताया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स देन दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से अगर आरएचएस इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा। इसी तरह बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, यहां पे आप लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ से देखिएगा RHS में एंगल Q है, सेकंड में भी Q है, फोर्थ में भी Q है, मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C जो है बेटा, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब जरा यहाँ पे देखेंगे। सो आपने प्रूफ किया क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के, एंगल बी जो है ई के इक्वल प्रूफ कर दिया आपने। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के प्रूफ किया आपने, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के प्रूफ हो गया। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमको गिवन था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये कहां से आया, ये आपको गिवन है। याद करिए आपको जो है ट्रिपल ले सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या बताया गया था, इफ ऑल एंगल, इफ ट्राइंगल, इफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं और दूसरे ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया है तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलरिटी का साइन है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अच्छा आपको यहाँ ध्यान देना है, जो एंगल जिसके इक्वल हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है, एंगल ए डी के इक्वल है ना, तो आप यहाँ पे डी लिखोगे, जैसे यहाँ पहले ए तो डी, फिर बीच में बी है, बी किसके इक्वल है ई के, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। किस क्राइटेरिया से हुआ है, आपने ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था बच्चों, यही प्रूव करना था। और इस थ्योरम को कहते क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस थ्योरम को यूज करते हुए किसकी मदद लिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया का। ठीक है बच्चों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन बना उसको आप हिट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है।